अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज़ किचन। आज हम बनाने वाले हैं बड़ा ही मज़ेदार सा चिकन एंड चीज़ बॉल्स। तो मैं दुआ करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है, करीब 500 ग्राम यानी आधा किलो बोनलेस चिकन ले लीजिए। और इसे मैं एक चॉपर में डाल रही हूँ। साथ ही इसके हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, एक बड़ा चम्मच। और साथ ही थोड़े से मसाले जाएंगे। यहाँ मैंने ग्रीन चिलीज़ यानी हरी मिर्चें ले ली है, 5 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। साथ ही इसके मैंने थोड़ा सा ऑरिगैनो ले लिया है। और टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल लें, चिली फ्लेक्स ले लीजिए एंड ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा, इतने मसाले डालने के बाद में हम इसे अच्छे से पीस लेंगे सो दैट जितनी ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी अच्छे से बारीक हो जाए, हमारा अच्छा सा चिकन का कीमा ही तैयार हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं ऐसे एक चॉपर में कर रही हूँ, मतलब सारा जो मैं कीमा प्रिपेयर कर रही हूँ वो चॉपर में कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसे जो हमारा नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि बड़ा ही अच्छा सा हमारा जो मिक्सचर है चिकन का वो तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट हम इसमें एक अंडा ऐड कर लेते हैं, वो ऑब्वियसली हमारे चिकन को मॉइस्चर देने के लिए काम आएगा। एंड नेक्स्ट इसके अंदर मैं ब्रेड के स्लाइसेस डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 3 नॉर्मल जो हमारे ब्रेड आते हैं, छोटे वाले, बहुत ज़्यादा बड़े वाले नहीं, सैंडविच ब्रेड नहीं लेना है हमें, जो नॉर्मल एक मीडियम साइज़ का ब्रेड आता है वो मैंने 3 ब्रेड ले लिया है। इनके हिसाब का ब्रेड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप 2 ही ब्रेड लीजिएगा। अब हमारा चिकन का जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा स्मूथ सा चिकन का हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब हाथों पे आप थोड़ा सा पानी लगा लीजिए सो दैट यू नो बैटर आपका स्टिक ना हो हाथ पे। अब देखिए, हमने इसके यहाँ पर हमने चीज़ का जो है, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो, आप मोज़रेला ले सकते हैं, मैंने क्यूब चीज़ लिया हुआ है। एंड उसे चिकन का एक बॉल बना के उसके बिल्कुल मिड में हम चीज़ के जो है क्यूब्स रख देंगे। इस तरीके से हमारा चिकन का चीज़ फिल्ड एक बॉल तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप सारे बॉल जो हैं बना के रख लीजिए। एंड अच्छा, आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, हम इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं एनी टाइम। देखिए, फ्रीज़र सेफ बॉक्स में रख लीजिए एंड एवरी लेयर के बीच में आप एल्युमिनियम फॉइल का लाइनिंग दे दीजिए एंड काफ़ी दिन वो फ्रिज में भी टिक जाते हैं। तो अब हमने तो इसे फ्राई करना है, तो यहाँ मैंने मैदे की एक स्लरी बना ली है एंड उसमें आप डिप कीजिए। उसके बाद सीधे आप इसको ब्रेड क्रम इसके ऊपर कोट कर लीजिए। अच्छा, मैं इसके ऊपर डबल लेयर जो है वो ब्रेड क्रम का दूंगी। आप चाहे तो बस सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर उसे डबल कोटिंग जो है ब्रेड क्रम का दे रही हूँ। सो पहले हम मैदे की स्लरी में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम में। ये प्रोसेस हम ट्वाइस करेंगे। इसी तरीके से आप सारे जो हैं चिकन चीज़ बॉल्स जो हैं उसको कोट कर लीजिए, फिर उसे हमें डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई का जो मेथड है हमारा वो सेम है कि तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब आप तेल को हीट अप कर लीजिए, उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर लीजिए सो दैट चिकन जो है वो अच्छे से पक जानी चाहिए। एंड ब्रेड का कोटिंग है, ब्रेड क्रम्स का कोटिंग है, तो वो बहुत जल्दी लाल ना हो जाए, इसलिए हम फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखेंगे। सो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ ऑल का ऑप्शन भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आप किसी भी रेसिपी को मिस ना करें। नेक्स्ट, अब भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हमारे चिकन चीज़ बॉल्स फ्राई हो गए हैं, कितना अच्छा गोल्डन कलर है इसके ऊपर। तो अब हम एक तोड़ के भी देख लेते हैं। हमारा आउटर लेयर जो है वो काफ़ी क्रंची होता है और अंदर से बड़ी ही वो अच्छी सी मेल्टेड चीज़ है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए, आप ख़ुद भी खाइए और अपनों को भी खिलाइए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।